बेंगलुरु में मौजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी तस्वीर साफ कर दी। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए विधायक बोले कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया है, हम अपनी मर्जी से यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि वह कमलनाथ सरकार के काम करने के तरीके से खुश नहीं है और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके नेता हैं। हालांकि विधायकों का कहना है कि अभी उन्होंने बीजेपी में जाने पर फैसला नहीं लिया है, वे इस पर विचार करने के बाद फैसला करेंगे। भोपाल वापस लौटने के सवाल पर विधायकों ने कहा कि जब सिंधिया जैसे बड़े नेता पर हमला हो सकता है तो हम कैसे सुरक्षित हैं। विधायकों ने कहा कि अगर उन्हें केंद्र सरकार सुरक्षा दे तो वो भोपाल लौटने को तैयार हैं।